हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अप टू गेमर में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई तूने पोकेमोन पे एक भी वीडियो नहीं बनाया है। यार, मैंने खुद नोटिस किया कि मैंने पोकेमोन पे एक भी वीडियो नहीं बनाया है, तो फाइनली आज मैं आपके लिए टॉप 5 पोकेमोन्स गेम लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने किसी भी वीडियो पर लाइक गेम नहीं रखा है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी समय लग गया है, इसलिए यह वीडियो थोड़ी लेट है। इसलिए इस वीडियो पर हम 50 लाइक का एम रखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पोकेमोन्स का और भी अच्छे अच्छे गेम्स को बताऊं, तो आप इस टारगेट को जल्दी पूरा कर दीजिए। मैं जानता हूं कि यह पोकेमोन्स फैंस के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हमारी वीडियो को 91.5% बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते और निकल जाते हो, अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो यार, सबसे पहले तुम जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 5वें नंबर पे गेम है, उसका नाम है पोकेमोन प्ले हाउस। इस गेम का साइज सिर्फ 192 MB है और यह गेम टोटली ऑफलाइन है। दोस्तों, इस गेम में आपको 10 से भी ज़्यादा मोड्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस गेम में आप कहीं भी टैप करिएगा तो एक नया मोड ओपन हो जाएगा। इस गेम में आपको पेजल, प्लेग्राउंड, स्टोरी मोड और इसके साथ ही बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे। इनके सभी मोड काफ़ी बेसिक और फनी हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यह गेम प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया, तो आप इसे ऐप टू ऐप से डाउनलोड करके खेल सकते हैं। दोस्तों, मैं इस गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता। जैसा कि आप सभी को मालूम है, YouTube अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है, इसलिए आप ऐप टू ऐप से जाके इस गेम को सर्च करके डाउनलोड करके खेल लीजिएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 4वें नंबर पर गेम है, उसका नाम है मॉन्स्टर मास्टर्स। दोस्तों, इस गेम का साइज सिर्फ 101 MB है और यह गेम बिल्कुल ऑनलाइन है। यह गेम उनके लिए है जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना चाहते, क्योंकि यह गेम प्ले स्टोर पर फ्री में उपलब्ध है। दोस्तों, इस गेम में आपको सारे अटैक्स दिखाए जाते हैं। दोस्तों, इस गेम की ग्राफिक्स थोड़ी डाउन है, लेकिन गेम प्ले एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा, तो आप इसे डाउनलोड करके ज़रूर ट्राई करें। मैं इस गेम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने लिस्ट के नंबर 3 गेम की ओर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 3रे नंबर पर गेम है, उसका नाम है पोकेमोन सफल मोबाइल। इस गेम का साइज सिर्फ 75 MB है और यह गेम भी ऑनलाइन है। दोस्तों, इस गेम को खेलते समय आपको कैंडी क्रश जैसा फील आएगा। इसमें आपको एक बड़ा मॉन्स्टर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको छोटे छोटे पोकेमोन्स को मूव करके उसे हराना होगा। दोस्तों, यह काफ़ी यूनिक सा गेम है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। यह आपको भी प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लिस्ट के 2रे नंबर के गेम की ओर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 2रे नंबर पर गेम है, उसका नाम है पोकेमोन ट्रेंड कार्ड गेम ऑनलाइन। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम में ही ऑनलाइन है, तो यह भी एक ऑनलाइन गेम होने वाला है और इस गेम का साइज सिर्फ 345 MB होगा। दोस्तों, यह काफ़ी अच्छा कार्ड बैटल गेम होने वाला है। इस गेम में आप एनिमी के साथ रियल टाइम में फाइट कर सकते हैं और इसकी अच्छी बात यह है कि इसका अटैक एनिमेशन काफ़ी अच्छा दिखाया जाता है और इसकी ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, आप इस गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपको यह गेम खेलना है, तो आप एपीके प्लेयर से इस गेम को डाउनलोड करके खेल लीजिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहले और आखिरी नंबर पर गेम है, उसका नाम है पोकेमोन मॉन्स्टर एक्स। दोस्तों, यह गेम भी बिल्कुल ऑनलाइन है। इस गेम का साइज आपको प्ले स्टोर पर सिर्फ 88 MB देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस गेम को डाउनलोड करने के बाद आपको इसका रिसोर्स पैक डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद इसका साइज 1 GB के आसपास हो जाएगा। दोस्तों, यह गेम काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यह गेम पोकेमोन कंपनी ने ही बनाया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पोकेमोन के एंड्रॉयड पर काफ़ी कमी गेम है, उनमें से यह एक ऐसा गेम है जो कि काफ़ी अच्छा है। इस गेम में आपको 3v3 बैटल देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए कमेंट में सवालों के जवाब देने की। दोस्तों, समय सबसे पहला कमेंट सादिया हिरेन ने किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि गॉड ऑफ वॉर रिमास्टर इन एंड्रॉयड पर वीडियो बनाओ। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि गॉड ऑफ वॉर का ऑफिशियल रिमास्टर अभी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर रिमास्टर खेलना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इससे इंस्पायर मोड आपके लिए ला सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कमेंट की ओर। दोस्तों, हमें अगला कमेंट करण सक्सेना ने किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सबसे बढ़िया एडवेंचर गेम चाहिए,
दोस्तों इस पे अभी काम चल रहा है, तो मैं जल्दी टॉप 5 एडवेंचर गेम पे वीडियो लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों हमें अगला कमेंट रोहित कुमार ने किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि 4GB रैम में ये गेम चलेगा कि नहीं। दोस्तों मैं बता दूँ कि यह कमेंट मिड रनर वाले वीडियो पर आया था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कोई भी गेम खेलने के लिए आपको सिर्फ रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों रैम, प्रोसेसर, सीपीयू और भी बहुत सारी चीज़ों से आपके मोबाइल में गेम स्मूथली रन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह गेम आपके 4GB रैम वाले डिवाइस में तो चलेगा ही, लेकिन यह स्मूथ चलेगा या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम अगली वीडियो में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी गेमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए गेम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।